हे क्यूटी पाइज, वेलकम बैक। इसके पहले वाले पार्ट में हमने देखा था ना कि एक्चुअल में लूजी ने उस कंपनी में इन्वेस्ट करने से मना कर दिया था। वहाँ पर वो लोग उस कंपनी का प्रो एंड कॉन्स बता रहे होते हैं, तो इस पार्ट की स्टार्टिंग भी वहीं से होती है। वो बंदा अपनी कंपनी के सारे इशूज वगैरह पूछता है कि आखिर किस रीजन से लूजी उसे मना कर रहा है इन्वेस्ट करने से। वो उसे काफ़ी सारी बातें बताता है, अपने प्रोडक्ट पर भरोसा रखने के लिए बोलता है। वो उसे कहता है कि अभी इन्वेस्ट करना तुम्हारी कंपनी में सही नहीं है, पहले जितना कंपनी में रायता फैला हुआ उसे समेट लो, इसके बाद इन फ्यूचर कभी ऐसा हुआ तो हम लोग इन्वेस्ट करेंगे। वो लोग अपना बात करके वहाँ से निकलते हैं। निक को काफ़ी बुरा लग रहा था क्योंकि उसे लगा था कि ये कंपनी सही है। लूजी उसे कहता है कि देखो, ये इन्वेस्टमेंट ना चैरिटी के लिए नहीं होता है, ठीक है, तो ये अभी यही डिसीजन इसके लिए सही है। लूजी अपने होटल में वापस जाती है। जब वो उस कंपनी की हिस्ट्री पढ़ रही थी तो उसे वही पुरानी बुक मिलती है। उसे कुछ दिमाग में आइडिया आता है, उसे उस ऑनर के लिए बुरा तो लग ही रहा था। वो वापस उस ऑनर से मिलने के लिए जाती है। थोड़ा बहुत इधर उधर का बात करने के बाद वो उसे उस कंपनी का पुराना वाला मैगजीन दिखाती है और उसे कहती है कि जब तुम इसे पढ़ोगे ना तब पता चलेगा कि ये कंपनी का आखिर एक्चुअल मीनिंग क्या है और तुम्हारे जो एम्प्लॉई हैं वो क्यों इस जॉब को नहीं छोड़ना चाहते हैं। वहीं पर वो ऑनर एक दो पेज पलटता है, अपने डैड के फ़ोटोज़ आर्टिकल्स वगैरह देख करके वो समझ जाता है कि एक्चुअल में ये कंपनी उनके लिए फैमिली की तरह थी। वो एक एक एम्प्लॉई का ख्याल रखते थे, इसीलिए अभी फ़िलहाल के जो एम्प्लॉई है ना वो उसके डैड को बहुत प्यार करते हैं। वो ऑनर कहता है, अब मुझे समझ में आया कि मेरे डैड के लिए मेरा ये कंपनी क्या मैटर रखता था। अब मैं अचानक से सब लोगों को जॉब से नहीं निकालूंगा, मैं वन बाई वन सबकी प्रॉब्लम को सॉल्व करूंगा और तुमने बहुत अच्छा किया मुझे ये दिखा करके। और हाँ, इन फ्यूचर अगर कभी भी इन्वेस्टमेंट का होगा ना तो मैं ज़रूर इन्वेस्ट करूँगी, ये बात निंग उसे कहती है। अगली मॉर्निंग वो लोग वहाँ से जाने से पहले ऑनर से वापस मिलते हैं। वहाँ पर वो स्पेशली निंग को थैंक्स बोलता है कि उसकी कंपनी की वैल्यू समझाने में उसने उसकी बहुत ज़्यादा हेल्प की है। हाय हेलो कहने के बाद वो दोनों वहाँ से बाहर निकलते हैं। अब लूजी को रहा तो जा नहीं रहा था, वो निंग से पूछता है आखिर तुम्हारे उससे कब बात हुई, वो ऑनर तुम्हें स्पेशल थैंक्स क्यों दे रहा था। तो निंग कहती है ये तो सीक्रेट है, वो उसे नहीं बताती है। वो लोग होटल वापस जाते हैं तो वहाँ पर जैंग उसका वेट कर रहा था। जैंग कहता है अब चलो, यहाँ का काम कम्प्लीट ही हो गया तो निकलने से पहले क्यों ना एक बार पार्टी हो जाए। लूजी मना कर रहा था। निंग कहती है कि एक्चुअल पार्टी करने के लिए बाहर जाने की क्या ज़रूरत है, मैंने ना बियर कुछ ज़्यादा ही खरीद लिया था, तो क्यों ना हम लोग आज यहीं पे पार्टी करते हैं, तो सब रेडी हो जाते हैं। रात में वो लोग होटल के छत पे ही जाकर के अपना मस्त बियर वेयर पी रहे थे। वहाँ पर लूजी और उसका नखरा कि तुम तो बड़ा कह रहे थे कि बहुत अच्छा जगह मिला है, वहीं चल के पार्टी करते, यही तुम्हारा जगह है, उसके तो ड्रामे ही नहीं ख़त्म होते हैं। निंग जैंग से पूछती है, अच्छा हमको एक तो बात बताओ, तुम लोग दोस्त कैसे बने यार, तुम दोनों बिल्कुल अलग पर्सनैलिटी हो, तुम दोनों की दोस्ती है हुई कैसे। तो जैंग उसे बताता है कि जब वो कॉलेज टाइम में था ना तब काफ़ी सीधा साधा सा इनोसेंट सा लड़का था, बहुत डरा करता था और कुछ लड़कों के बुली ग्रुप ने ना उसे बहुत ज़्यादा पिटाई की थी और ये चीज़ लूजी को देखा नहीं गया था। उस समय वो दोनों एक दूसरे को जानते तक नहीं थे, लेकिन जब लूजी ने देखा कि मैं अच्छा खासा मार खा चुका हूँ ना, तो फिर उसे रहा नहीं गया, वो बिल्कुल आया, मार्शल आर्ट से आता ही था और सबकी अच्छी खासी कुटाई कर दी। मैंने पहली बार किसी पढ़ने लिखने वाले ढंग के टॉपर लड़के को ना एक्चुअल में मार पिटाई करते देखी थी। उस दिन के बाद से ना मेरी इससे दोस्ती हो गई, पर शुरू में ना मुझे इससे बहुत डर लगता था, पर धीरे धीरे वक्त बदलते गया, मेरे में भी इम्प्रूवमेंट आया और फिर अब मुझे उससे कोई डर वर नहीं लगता है। वहाँ पर वो लोग सब अपने बारे में कुछ ना कुछ बता रहे थे। लूजी निंग से पूछता है कि आखिर मतलब तुम इन्वेस्टमेंट में कैसे आने को सोची। निंग बताती है कि ज़्यादा कुछ नहीं है, बचपन में जब मेरे डैड बिजनेस किया करते थे तो मुझे बस इतना पता था कि हमें किसी इन्वेस्टर की ज़रूरत है जो कि वो रिचार्जेबल बैटरी वाले अपने प्रोजेक्ट पर काम कर सके। बहुत सारा पैसा उन्होंने खुद का लगा दिया था, कोई उन्हें इन्वेस्टर नहीं मिला, उनका ये प्रोजेक्ट डूब गया और हम लोग रोड पर आ गए। वो लोग अपना इधर उधर का बात ही कर रहे थे कि जैंग को किसी का कॉल आता है और वो उन दोनों को वहाँ पर छोड़ करके चले जाता है। लूजी उसे कहता है कि तुम्हें अजीब नहीं लगता, तुम्हें अपने डैड के लिए तो काफ़ी बुरा ही लगता होगा, तुम शायद इसे इंसिडेंट के बाद इन्वेस्टर बनने के लिए सोची थी ना। निंग कहती है हाँ, मुझे यही लगता है कि अगर शायद उस टाइम कोई मेरे डैड की कंपनी में इन्वेस्ट किया होता ना तो शायद आज हमारी सिचुएशन कुछ और होती। हमारी अब तक की लाइफ तो सिर्फ उधार देते देते ही लोन पूरा करते करते ही कटी थी। मेरे मॉम डैड ने आज तक न्यू ईयर पे खुद के लिए कोई ड्रेस नहीं खरीदा था, सिर्फ मेरे लिए वो पैसा सेव किया जाते थे, अब जाकर के थोड़ा सा बर्डन कम हुआ है। लूजी कहता है तुम्हारी मॉम डैड की जोड़ी काफ़ी अच्छी है, फाइनेंशियल क्राइसिस में भी दोनों झेल गए।
मेरी मॉम को तो मेरे डैड प्यार ही नहीं किया करते थे, उन्हें सिर्फ अपनी कंपनी से मतलब था। उन्होंने घर को होटल बना करके रख दिया था। 10 साल तक मेरी मॉम और मेरे डैड के बीच लड़ाई होते रहा। जब मेरी मॉम को पता चला कि अब वो इनको नहीं झेल सकती है, तो उन्होंने उसे डाइवोर्स लेकर के 10 साल बाद अलग हो गई। मैं डैड के साथ ही रहा करता था। फिर अभी कुछ साल पहले मुझे पता चला कि उन्हें कैंसर हो गया था और उनका डेथ हो गया। मैं तो उन्हें लास्ट टाइम मिल भी नहीं पाया था, लेकिन उसके बाद मेरे डैड के बिहेवियर में कोई चेंज नहीं आया। उन्होंने अपनी सेक्रेटरी से शादी तो कर ली, लेकिन वो आज भी उनसे प्यार नहीं करते, सिर्फ काम ही निकालते हैं। ये सब कुछ सुनने के बाद निंग को थोड़ा सा लूजी पे तरस आने लगता है कि उसके डैड ने उसे कभी प्यार नहीं किया। वो अपने डैड को प्रूफ करने के लिए इतने मेहनत से काम किए जा रहा है इन्वेस्टमेंट का। लूजी उसे घूरते हुए कहता है, मुझ पर ना तरस खाने का कोशिश भी मत करना, ठीक है। तो वहाँ पर टॉपिक चेंज करने के लिए निंग कहती है कि ठीक है चलो, सबकी फैमिलीज में तो लड़ाई झगड़े होते ही रहते हैं, सबकी फैमिली अलग तरीके की होती है ना, कोई बात नहीं, मेरे फैमिली में भी लड़ाई झगड़े होते हैं, ऐसा नहीं है। वहाँ पे बियर ख़त्म हो गया था। निंग कहती है, मैं अब भी लेकर के आती हूँ। जैसे ही वह उठ करके जा रही होती है ना, बियर के बोतल पर से उसका पैर स्लिप करता है, वो लूजी पर गिरती है और वहाँ पर दोनों का फर्स्ट एक्सीडेंटल किस हो जाता है। कुछ सेकंड के बाद निंग अपने आप को संभालती है और अचानक से उठती है। वहाँ पे सिचुएशन काफ़ी ऑकवर्ड था, दोनों तो कुछ सेकंड तक चुप ही हो जाते हैं। लूजी माहौल को चेंज करने के लिए कहता है कि फर्श कुछ ज़्यादा ही स्लिपरी है, नहीं मेरे तो सर पे दर्द हो रहा है यार, मुझे तो बहुत नींद आ रही है। निंग भी कहती है, हाँ आई थिंक हमने कुछ ज़्यादा ही बियर पी ली है, मुझे भी बहुत नींद आ रही है। वो कह के अपने रूम में चली जाती है और लूजी अपने रूम में चले जाता है। अगली सुबह जब उसकी नींद खुलती है ना, तो वो अपने बेड में किसी को पाता है। वो तो डर जाता है कि कल रात में उसने कांड कर दी क्या। वो डरते डरते ब्लैंकेट हटाता है तो कोई और नहीं, उसका फ्रेंड जैंग था। वो अपने होटल नहीं गया था, कल रात में बात करते करते वो अपने रूम में ही सो गया था। और फिर इधर निंग भी ब्रश करते करते कल रात जो उन दोनों के बीच किस हुआ था ना, उसी के बारे में सोच रही थी। रेडी वेडी होने के बाद वो लोग सिटी में वापस लौटने के लिए जब निकलते हैं, तो जैंग उसे ज़बरदस्ती अपने साथ ही चलने के लिए बोलता है। जाने से पहले वो तीनों सेल्फी लेते हैं। निंग काफ़ी ऑकवर्ड थी और लूजी का तो कहो ही मत। सेल्फी वगैरह लेने के बाद वो लोग शांति से अपना मस्ती से कार में बैठ करके जा रहे थे। वहाँ पर जैंग उसे कहता है कि तुम दोनों बात क्यों नहीं कर रहे हो, कुछ हुआ है क्या, कल कितना ज़्यादा बियर तुम लोगों ने पी लिया। तब वहाँ पर लूजी सीन का बात निकाल देती है कि वो मीटिंग के लिए कह रही थी अगले हफ्ते कब सही रहेगा, तो लूजी बोल देता है कि कभी भी ठीक रहेगा। जब वो लोग अपार्टमेंट में नीचे पहुंचते हैं, तब जैंग से मिलने के लिए वहाँ पर जू आई हुई थी और दोनों पूरा चिपक रहे थे। वहाँ पर जैंग ऑफिशियली सबको बताता है कि एक्चुअल में जैंग और जू दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। निंग पूछती है कि ये कब हुआ भाई, तो जैंग उसे बताता है कि पिछली बार जब वो लोग घूमने गए थे, तो वहाँ पर जब वो ड्रिंक पी के टल्ली हो गई थी, तो जैंग और जू बाहर बैठ करके बात कर रहे थे और गलती से रोमांटिक तरीके से दोनों का हार्ट टच हो गया था, तो इसके बाद हम दोनों एक दूसरे को डेट करने का डिसाइड किया। निंग कहती बस इतना ही, जू कहती हाँ तो वेट करने का क्या फ़ायदा, जरूर थोड़ी है कि एक दूसरे को किस करने के बाद ही स्टार्ट हो रोमांटिक रिलेशनशिप। अब किस का नाम आते हैं, फिर से लूजी और रिंग दोनों अनकंफर्टेबल हो जाते हैं, दोनों अपने अपने घर निकल जाते हैं। घर जाकर के वो अपने फ्रेंड को मैसेज करती है, उसकी फ्रेंड उसको वीडियो कॉल करती है। वहाँ पर वो उसे गुड न्यूज़ देती है कि अगले हफ्ते वो चाइना वापस आ रही है, वो काम के सिलसिले में वहाँ पर आ रही है, कुछ टाइम तक रहेगी। ये सुनकर के तो निंग पूरा खुश हो जाती है और फिर वही काम करती है जो कि ड्रामा में हर कोई करता है, अपना पहला किस के बाद। वो अपनी फ्रेंड से पूछती है कि अच्छा ना, मेरी एक फ्रेंड है, ठीक है तुम बताना कि उसे क्या करना चाहिए। वो बहुत ज़्यादा ड्रंक थी और वो गलती से किसी को किस कर लेती है, तो उसे क्या करना चाहिए। तो वहाँ पर उसकी फ्रेंड कहती है, तो डिपेंड करता है ना कि वो सामने वाले के बारे में क्या सोचती है। अगर सामने वाला बंदा काफ़ी हैंडसम है, वो उसे पसंद करती है, तो फिर उसे प्रपोज कर देना चाहिए, क्या पता सामने वाला भी उसे पसंद करता हो। निंग कहती नहीं नहीं यार, ऐसा नहीं हो सकता है। उसके फ्रेंड को तो डाउट ही हो रहा था कि ये कांड इसी के साथ हुआ है। वो उसे पूछती है तो निंग बहाना बना करके फ़ोन रख देती है और इन तीनों का जो सेल्फी था ना, वही देख रही होती है। इधर लूजी को भी नींद नहीं आ रहा होता और वो भी वही फ़ोटो देख रहा होता है। ये वाला पार्ट हमारा यहाँ पर कंप्लीट होता है। आगे क्या होगा, ये दोनों में से कोई अपनी मन की फीलिंग बताएगा भी या नहीं, जानेंगे हम लोग इस ड्रामा के नेक्स्ट पार्ट में।